तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस अप्रोच। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। हमारे पास ऐसा इंटीग्रल है जिसके इंटीग्रेंड का न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस वन है और डिनोमिनेटर है एक्स का पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। हम लोग इस इंटीग्रल को थ्री स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। फिर हम लोग डिनोमिनेटर को इस टाइप से एक्सप्रेस करेंगे कि वह दो स्क्वायर क्वांटिटी का सम या डिफरेंस बन जाए। फिर हम लोग डिनोमिनेटर में एक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे जिसे डिफरेंशिएशन के बाद डायरेक्टली न्यूमरेटर आ जाएगा और इस टाइप से अल्टीमेटली हमारे पास गिवन इंटीग्रेंड स्टैंडर्ड इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रल का। फिर हम लोग उस सब्स्टिट्यूशन को रिप्लेस कर देंगे ओरिजिनल वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन के द्वारा और इस तरीके से हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमें फुलफिल करना है, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करनी है। तो न्यूमरेटर में हमें मिल जाएगा वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स और यहां मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, उसके बाद न्यूमरेटर को ऐसे ही आप रखिए, कोई उसमें परिवर्तन ना करें। उसके बाद यहां लिखिए माइनस टू और वन अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में रखिए और यहां लिखिए प्लस वन। देखिए माइनस वन को हमने लिख दिया माइनस टू प्लस वन ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजन। अब जरा देखिएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स और इसके लिए हम लिखेंगे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस वन। ठीक, क्लियर, ओके। हमारे पास ये आई दिया है जो कि है वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स और डिनोमिनेटर है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, सॉरी प्लस वन। यहां पे देखिए प्लस वन है, अपनी गलती देखिए पकड़नी है। इसको मैं मान लेता हूं वन। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को हम टी लेने वाले हैं और मान लेते हैं कि हमारे पास सेकंड है। अब सेकंड को डिफरेंशिएट करना है तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, टी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। डिफरेंशिएट जब भी करेंगे तो दोनों साइड करेंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन वन माइनस वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो कि आपका हो जाएगा पॉजिटिव वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स और ये आपका डी टी, ये हो गया थर्ड। अगर हम लोग सेकेंड थर्ड का इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट में तो जरा देखिए वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स है यहां पे न्यूमरेटर में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स टी। तो इस टाइप से आई क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टी स्क्वायर और ये प्लस वन, वन को आप लिख दीजिए वन स्क्वायर। ठीक, अब जरा देखिए ये आते ही एक पिक्चर आपके दिमाग में दौड़ने लगेगी स्टैंडर्ड इंटीग्रल का, लेकिन ये पिक्चर तभी दौड़ेगी जब इंटीग्रेशन का पूरा फॉर्मूला कंठस्थ होगा। तो बच्चों मैं रिक्वेस्ट करता हूं इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मूले हैं सब कंठस्थ कर लीजिए, बाय हार्ट आपको लर्न होना चाहिए। इसी टाइप का इंटीग्रल आपके दिमाग में रन करने लगेगा जिसका होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक, अब जरा देखिए तो कंपेयर करिए एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर ए स्क्वायर वन स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा वन बाई ए, तो ए तो आपका वन है तो सीधे आप लिख लीजिए टेन इनवर्स टी हो जाएगा, ए
तो आपका 1 है प्लस कोई कांस्टेंट, ओके। लेकिन आंसर हमें टी में नहीं छोड़ना है क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स है, टी तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट लिया हुआ है, टी है आपका एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और प्लस कोई कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किया है, हम लोगों ने इस सेशन में ऐसा इंटीग्रल डिस्कस किया है जिसके इंटीग्रेंड का न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस वन था और डिनोमिनेटर एक्स का पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन था, और हम लोगों ने थ्री स्टेप्स के द्वारा इस इंटीग्रल को कैलकुलेट किया है, इवेल्युएट किया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको यह सेशन अच्छी लगी हो, यह वीडियो लेक्चर अच्छी लगी हो, लाइक करें, अच्छा अच्छा कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें।